फ्रेंड्स, तो आज हम बाकरवड़ी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा ले ली है, और ये अजवाइन जो हाथों से क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मोइन के लिए यहाँ पे तेल डाल लेंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मुट्ठी बन गई है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त आटा लगा लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। अगर एक साथ डालेंगे तो आटा गीला हो जाएगा, मैदा है इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सख्त आटा लगाना है फ्रेंड्स। अभी इसमें लो छोड़ के देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये इसे रेस्ट पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक अपना मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। तो इधर पैन में मैंने जीरा डाल लिया है, सौंफ डाल लिए, 2 चम्मच धनिया साबुता, और यहाँ पे सफ़ेद तिल है, और ये नारियल का बुरादा, और अच्छे से इसे रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और ये मिक्सी के जार में डाल देंगे, इसे दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दरदरा पीस लिया है। और इधर अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, 1-2 गुट्टी लगा लेते हैं इस पर। और यहाँ पर लोइया तोड़ लेते हैं। ये मैंने लोई बराबर लोई काट ली है, तो एक वापस परात में रख देंगे। एक लोई लेंगे, उसे रोटी जैसा पतला बना लेंगे। तो ये देखिए, रोटी जितना पतला बना लिया है। और ये है इमली की चटनी, वो लगा देंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास इमली की चटनी ना हो तो अमचूर लेके उसमें चीनी डाल के और उसे लगा सकते हो। तो ये मैंने 3 जगह लगा लिया है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। तो यहाँ से अब अच्छे से रोल करेंगे टाइट, एकदम टाइट रोल करेंगे। ये देखिए, अब इसे काट लेंगे। और इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये दूसरी बनाएंगे। तो इसे भी टाइट रोल करेंगे। इस तरह से तीनों रोल बना लेंगे, एकदम टाइट रोल होना चाहिए, नहीं तो अपना मसाला बाहर निकल जाएगा। अब इस तरह से छोटी छोटी बाकरवड़ी काट लेंगे। ये साइडों के निकाल देते हैं एक्स्ट्रा, और ये छोटी छोटी बाकरवड़ी काट लेंगे। तो ये देखिए, हथेली पे रख के इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इनका मसाला निकले नहीं। तो ये सारी बाकरवड़ी बना के रेडी कर लिए। और कढ़ाई के अंदर तेल गरम हो गया है हल्का गुनगुना, तो इसके अंदर बाकरवड़ी डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथ से हिलाएंगे और बिल्कुल लो मीडियम गैस पे ही सेकना है, तेज आँच पे नहीं सेकना है इसे। तो ये देखिए, अपने बाकरवड़ी सिक के रेडी हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से सारी बाकरवड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी बाकरवड़ी बना के रेडी कर ली है। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए, कितनी क्रिस्पी बनी है। इस तरह से आप भी जरूर